संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी कांग्रेस परिवार से आखिर अलग क्यों हैं? ये सवाल बहुत पहले से बना हुआ है, मगर हाल के समय में इससे भी बड़ा सवाल ये हो गया कि क्या गांधी परिवार एक होने जा रहा है? मेनका और वरुण गांधी परिवार के साथ हो जाएंगे? दरअसल ये सवाल तब से उठने लगा जब बीजेपी ने वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट दिया। वहीं जब वरुण गांधी की माँ मेनका गांधी से ये सवाल पूछा गया तो वरुण गांधी के टिकट कटने के बाद कांग्रेसी नेताओं के बीच चर्चा है कि गांधी परिवार एक हो जाना चाहिए। इसके जवाब में मेनका ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मेनका ने इस सवाल को ये कहकर टाल दिया कि मैं बीजेपी में हूं और यहां बहुत खुश हूं। वहीं बेटे को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद देखते हैं, अभी बहुत लंबा समय है। आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। मैडम अभी आपके सामने ये तो वही जाने कि उसने क्यों किया था, ये उनसे पूछे, आप उनसे ही पूछ। मैम वरुण जी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं की एक राय आ रही है कि गांधी परिवार को एक हो जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर टिप्पणी करूंगी नहीं बेटा। मैम जैसे अमेठी रायबरेली में लोग यू नो इस पर हम लोग ये विषय को छोड़ दें। मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में। मैम अमेठी रायबरेली से कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी, बता दें कि मेनका गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी की सांसद हैं और पार्टी ने एक बार उन्हें सुल्तानपुर से अपना उम्मीदवार भी बना दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनके बेटे वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट दिया था, मगर इस बार वरुण गांधी का पत्ता काट दिया गया है। बीजेपी ने इस बार वरुण का टिकट जीतन प्रसाद को दे दिया है। ये वही जीतन प्रसाद हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें कि जीतन प्रसाद योगी सरकार में मंत्री हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटे जाने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। पहला ये कि क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और दूसरा ये कि क्या वो सपा का दामन थाम सकते हैं और तीसरा कयास ये भी था कि क्या वो कांग्रेस में जा सकते हैं। मगर इन सभी कयासबाजियों से अलग हटकर वरुण गांधी ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।